ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं ओबीसी और आप देख रहे हैं बोन टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, जो आईटीआई का एफपीओ आ रहा है उसकी डिटेल देखेंगे और आपको बाद में क्या करना चाहिए, इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। पहले हम जान लेते कि ये एफपीओ होता क्या है। तो एफपीओ का मतलब होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। और ये आईपीओ और एफपीओ में डिफरेंस क्या है, तो आईपीओ में क्या होता है कि एक न्यू इंडस्ट्री आपको स्टॉक मार्केट में रजिस्टर होती है, लेकिन एफपीओ में क्या होता है, ऑलरेडी क्या है कि स्टॉक मार्केट में कंपनी रजिस्टर्ड होती है और उसको क्या है कि थोड़ा ज्यादा और अमाउंट चाहिए, तो वो क्या है कि एफपीओ लाती है। नॉर्मल प्रोसेस आईपीओ जैसी होती है, लेकिन ओनली डिफरेंस ये होता है कि आईपीओ में एक न्यू कंपनी आती है और एफपीओ में ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में वो कंपनी होती है और दूसरी बार वो क्या है कि शेयर लाती है कंपनी। तो ये था आईपीओ और एफपीओ के बीच में डिफरेंस। अभी जो आईटीआई का आ रहा है वो आईपीओ नहीं है, वो है एफपीओ। तो आपको इसमें पता होना चाहिए कि ये एफपीओ है, तो मतलब ये फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग है, ऑलरेडी इसके स्टॉक मार्केट में है। तो इसका नाम क्या है वो देख लेते, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री इसका नाम है या इसका फुल फॉर्म है। तो अभी देख लेते इसके कस्टमर कौन कौन है। तो इसके कस्टमर में आते हैं डिफेंस, आते हैं बैंक, आते हैं टेलीकम्युनिकेशन, आते हैं फाइनेंशियल इंडस्ट्री आती है, बाद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले आते हैं और सोलर एनर्जी वाले भी आते हैं। बाद में हम इसमें देख लेते कौन कौन से इसके प्रोडक्ट है और कौन सी कंपनी इस प्रोडक्ट को यूज करी है। तो अगर आप देखें तो इसमें क्या आता है, तो इसमें आपको मिलता है ऑप्टिकल एंड डेटा नेटवर्क प्रोडक्ट, बाद में डिफेंस सिक्योरिटी भी मिलती है, बाद में पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलता है, बाद में आपको मल्टी कैपेसिटी यूनिट भी मिलते हैं, सेटअप बॉक्स भी आते हैं, बाद में स्मार्ट एनर्जी मीटर्स भी आते हैं। और मतलब जो आईटी के रिलेटेड कंपनी होती है उसका जो प्रोडक्ट होता है वो ये मोस्टली रखते हैं। और बाद में हम देखें तो ये मेंटेनेंस का भी संभाल लेते हैं, तो ये डिफरेंट कंपनी में ये मेंटेनेंस करती है। बाद में इसके जो कस्टमर है वो कौन है, तो इसके कस्टमर मोस्ट ऑफ द कस्टमर पीएसयू वाले हैं, मतलब पब्लिक सेक्टर वाले। तो कौन कौन है, बीबीएनएल है, बाद में ईएसएल है, बाद में क्या है कि एमओआरडी है, बाद में आप बीएसएनएल है, बाद में आप मतलब ये सब इसके नाम शॉर्ट में मैं बोल रहा हूँ, मोस्टली ये सभी कंपनी पीएसयू की कंपनी है। और बाद में देखें इस कंपनी की स्ट्रेंथ वगैरह क्या है, तो इस कंपनी में आपको स्ट्रेंथ में मिल जाएगा कि इसके पास एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो और सर्विस रेंज है। बाद में आप इसके प्रोजेक्ट जो है इसको मेजर क्लाइंट ऑलरेडी इसके पास है और मोस्टली वो पीएसयू वाले है। बाद में क्या है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट यूज करते हैं, तो ये कंपनी की क्या है स्ट्रेंथ हो गई। तो ये होगी कंपनी की डिटेल्स। तो आपको कोई भी आईपीओ या एफपीओ तो उसके बारे में नॉर्मली पता होना चाहिए, क्या वो कंपनी करे वो सब। अभी हम इसके क्या है कि फाइनेंशियल देखेंगे, इसके क्या है कि डिटेल्स देखेंगे, कब ओपन हो रहा है, कब क्लोज हो रहा है वो सब। और बाद में एक बार क्या है कि जो इसका चार्ट ऑलरेडी है उसको भी देखेंगे कि उस चार्ट पे क्या हो रहा है वो सब। तो अब हम इस कंपनी के थोड़ी डिटेल्स जान लेते हैं। तो पहले देखते हैं इसी ओपन कब होगा, 24 जनवरी की ये ऑलरेडी ओपन हो चुका है, और कब तक ओपन रहेगा, 28 जनवरी तक ये ओपन रहेगा। बाद में इश्यू साइज, तो अप्रोक्स 1400 करोड़ की ये इश्यू साइज है। बाद में फेस वैल्यू, तो 10 की ये फेस वैल्यू वाला स्टॉक है। और किस प्राइस पे आने वाला है, तो 72 से लेकर 77 के बीच में ये आने वाला है। जिस प्राइस पे आपको मिले उस प्राइस में मोस्टली हम मानेंगे कि 77 पे ही मिलते हैं। बाद में हम देखते तो मार्केट लोट कितना है, तो मार्केट लोट 150 शेयर का है कि मिनिमम आपको 150 शेयर इसमें से खरीदने होंगे। बाद में लिस्टिंग कहाँ होगा, तो बीएससी एंड एनएससी दोनों पे ये लिस्ट होगा। बाद में हम देखें तो ऑफर ओपन कब होगा, तो ऑफर ओपन ऑलरेडी हो चुका है 24 जनवरी को। ऑफर क्लोज कब होगा, 28 जनवरी को। बाद में क्या है कि अलॉटमेंट कब होगा, तो अलॉटमेंट 31 जनवरी को होगा। बाद में क्या है कि जिसको नहीं मिला उसको रिफंड कब होगा, तो 3 फेब को ये इसको रिफंड होगा जिसको नहीं मिला, और जिसको मिला उसको आ जाएगा डीमैट अकाउंट। लेकिन वो डीमैट अकाउंट में शेयर कब आएंगे, तो वो शेयर आएंगे 4 फेब को ये आपके डीमैट अकाउंट में आएंगे। और लास्ट में ये आईपीओ लिस्ट कब होगा, तो 5 फेब को आईपीओ लिस्ट होगा। मतलब ये जो है आईपीओ मतलब एफपीओ की बात कर रहे हैं। बाद में इसमें आपको मिनिमम 1 लॉट खरीद सकते हो, और इसका क्या अमाउंट होगा, तो मैक्सिमम 77 पे आपको अगर मिलता है तो 11,550 आपका इसका अमाउंट होगा, और मैक्सिमम आप 17 लॉट अप्लाई कर सकते हो। तो अब हम इस कंपनी के थोड़े फाइनेंशियल देख लेते हैं, तो आपको आइडिया है कि इस कंपनी ने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया। तो आप सेल्स देख रहे हो, तो सेल्स में आपको क्या है कि पहले थोड़े 4-5 ईयर आपको इंक्रीज देखने को मिला, बाद में
2012 से लेके 2015 तक डाउन साइड देखने को मिला, फिर से 2016 से लेके अभी ये अप आ रहा है। मतलब ये क्या है कि एक सेल्स में आपको बीच में एक गैप ऐसा मिला था जहां कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। बाद में हम इसका क्या है कि नेट प्रॉफिट ही देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट में आपको पिछले कितने सालों, 2015 तक ये लॉस में ही चल रही थी, बाद में 2016 जब ये सेल्स भी इंक्रीज हुआ तब ये क्या है कि प्रॉफिट में आ रहे हैं, बाद में एक अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहे हैं। 2019 में थोड़ा डिक्रीज हुआ था लेकिन अभी टीटीएम देख रहे तो वो भी इंक्रीज हो चुका है। इन सिंपल अभी हम सेल्स देखे, टोटल नेट प्रॉफिट देखे, तो इसमें क्या है कि पास्ट में जो 2016 से पहले का था तो उसमें आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिला है। बाद में 2016 के बाद आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं बोल सकते क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी कंपनी इस सेक्टर की भी है और इससे अच्छे आपको फाइनेंशियल वाले मिल जाएगी। तो अब हम इस कंपनी का क्या है कि जो चार्ट है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ये कंपनी तो इसका चार्ट भी आपको मिल जाएगा, तो ये चार्ट है उसमें क्या हो सकता है वो देखते हैं। तो अगर मैं चार्ट को देख रहा हूँ, पहले मैं 1 वीक पे देख लेता हूँ, तो 1 वीक पे मेरे को जो सपोर्ट दिख रहा है, मैं सपोर्ट की ही बात करूंगा, रजिस्टेंस की बात नहीं करूंगा इसमें, तो जो मेरे को 1 वीक पे सपोर्ट देख रहा है तो वो सपोर्ट मेरे को इधर दिख रहा है जो है 70 का लेवल, 70 का लेवल। क्यों? क्योंकि एक बार इधर भी ये सपोर्ट लेके अप गया था, एक बार इधर भी सपोर्ट लेके अप गया था, इधर इधर, और हाल फिलहाल क्या है कि ये नीचे आएगा। तो जो मेरा 1 वीक के हिसाब से जो क्या कि सपोर्ट होगा वो होगा 70, मतलब 70 से लेके आगे थोड़ा जा सकते, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, इधर भी थोड़ा ऊपर नीचे होगा, और वही प्राइस इसकी क्या है कि प्राइस रेंज में फर्स्ट रहे, मतलब 72 से लेकर 77 है। तो उसी प्राइस पे आपको ये क्या है कि अगर लोअर पे मिला, लोअर प्राइस जो प्राइस बैंड में है तो वो उसी प्राइस पे है। अगर मैं इसके और नीचे देखूं तो जो मेरा दूसरा सपोर्ट होगा वो कितना होगा, वो होगा 56, जो ये लास्ट लो जहां से लगा के अप आया था उसकी बात करें हम। तो ये हो गए हमारे दो सपोर्ट, आगे आने वाले दिन में अगर ये नीचे और गिरता है तो आपको वहां जाके देखने को मिल सकता है। अगर मैं 1 डे के हिसाब से इसका सपोर्ट निकालूं तो 1 डे पे एक बार शिफ्ट कर लेते हैं हम इसको, तो अगर 1 डे के हिसाब से ये दो सपोर्ट तो है, तो इसमें एक एडिशनली थोड़ा और अबव आता है जो है आपका 78 का लेवल। क्यों? देखो एक बार इधर से थोड़ा कंसोलिडेट करके अप गया था, एक बार इधर से भी अप गया था, बाद में आगे देखे तो इधर कुछ नहीं मिला, लेकिन एक बार इधर से भी आपको एक अप जाता हुआ दिखा था। तो 1 डे के हिसाब से आपको 3 सपोर्ट मिलते हैं, 78, 70 और 56, और आप देख रहे हो जो 72 से लेकर 77 इसका प्राइस बैंड ही है वही आपको एक सपोर्ट रेंज मिल रही है। और एक बात देखो, जैसे ही आपको मार्केट में पता चला इसका एफपीओ आने वाला है तो देखो बाद में ये नीचे गिरा। क्यों? क्योंकि ये सेलिंग करे और ऐसा भी हो कि ये जो है वो क्या है कि एफपीओ में अप्लाई करके फिर से बाइंग करे, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस इतनी ज्यादा है, समझ गए? तो देखना पड़ता है क्या होता है। तो वैसे ही इसमें सेलिंग आ रही है तो आई थिंक ये सेलिंग इसके लिए आ रही है क्योंकि एफपीओ में आपको प्राइस कम मिल रही है, तो इसके लिए आई थिंक ये सेलिंग आ रही है। तो अब देखते हैं क्या इसमें करना चाहिए। तो मेरी ओर से अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको देख रहे हो तो मेरी ओर से बिल्कुल ना कि आप इसको अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मेरे को ये अच्छा नहीं दिख रहा, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म में एक अच्छी परफॉर्मेंस वाली कंपनी देखता हूँ, तो मेरे को इसमें पास्ट में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिला, सो लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसको अवॉइड करूंगा। और क्या है कि अगर इसको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो उसमें भी मैं 2 व्यू रखूंगा, क्योंकि 2 व्यू रखना जरूरी है। इसलिए अगर आप क्या है कि रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप इसको अप्लाई मत कीजिए। अगर आप रिस्क लेना चाहते, नहीं आपको लगता है कि नहीं मेरे को थोड़ा रिस्क लेना है, क्योंकि देखो ये इसके सपोर्ट जो है वही रेंज में आपको मिल रहा है, तो अगर आप थोड़ा सा भी रिस्क लेना चाहते हो तब आप इसे अप्लाई कर सकते हो। और इसके पहले देखिए इसका क्या सब्सक्रिप्शन है, अगर सब्सक्रिप्शन थोड़ा अच्छा खासा हो जाता है तभी आप इसमें अप्लाई कीजिए। तो मेरी ओर से क्या है कि अगर आप रिस्क ले सकते हो तो इसको आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको रिस्क लेना ही नहीं है, कुछ रिस्क लेना ही नहीं, तो ये उसके लिए अवॉइड है, मतलब वो अवॉइड कर सकते हो। तो ये था हमारी ओर से छोटा सा वीडियो ITI FPO के बारे में। आई होप कि ये वीडियो में आपके सब डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे वीडियो आगे लेके आएंगे। सो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।